हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉन वेज में। आज हम लेकर आए सुनसुनिया भाजी की रेसिपी। सुनसुनिया भाजी को हम नए तरीके से बनाएंगे। हम पिछले बार भी सुनसुनिया भाजी बनाए थे जो सूखा था, इस बार हम बनाएंगे हम गीला तरीके से। ये हमने सुनसुनिया भाजी आधा किलो ले लिया है, इसको धो लिया अच्छे से। और ये हमारा टमाटर, देखिए टमाटर को हम दो काट लिए हैं छोटा पीस का। और 100 ग्राम हम दाल ले लिए राहल दाल। ये हमारा हल्दी और नमक। और ये हमारा कुकर, आज हमारा स्पेशल चीज़ है, हम कुकर से ही बनाएंगे इसको। ये नए तरीके का है बिल्कुल, आप जरूर बने रहे वीडियो पर। ये हम दाल को धो लिए हैं और डाल दिए हैं इसमें, 100 ग्राम हमारा दाल है ये। अब हमारा डाल देंगे हम टमाटर और भाजी को हम डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, 1 चम्मच हम हल्दी डाल दिए, और स्वाद अनुसार नमक। और इसको पकाने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 गिलास हम पानी डाल देंगे। और इसे हम 2 सीटी लगाएंगे, 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 सीटी ज़्यादा लगाएंगे तो भाजी पूरा पेस्ट बन जाएगा, इसलिए हम 2 ही सीटी लगाएंगे इसे। चलते हैं हम इसे सीटी लगाने के लिए। ये हमारा गैस रेडी हो रहा है, हम इसे 2 सीटी लगा लेंगे। गैस को हम बंद कर दिए, अब 10 मिनट इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि इसका अंदर से गैस पूरा खुल जाए। चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं पका है। देखिए भाजी का कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये पक चुका है। देखिए दाल भी हमारा पक गया है। अगर 2 से 3 सीटी अगर कर देते तो पूरा पेस्ट बन जाता। अब ये खाने के लायक है, चले आगे की व्यवस्था बना लेते हैं। ये हमारा कढ़ाई गरम कर लेते हैं। अब इसको हम तड़का लगा लेंगे, बघार लेंगे। और इसके लिए हम ले लिए हैं, देखिए हम लहसुन ले लिए हैं 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं जिसको। और ये हमारा मिर्ची, सूखी लाल मिर्च 3 ठो हम ले लेते हैं। सरसों का तेल 2 चम्मच। ये हमारा तेल गर्म हो गया, देखिए धुआं निकल रहा है। अब डाल देंगे हमारा लहसुन जिसको काट के रखे थे, इसको लाल के होते तक भून देंगे हम अच्छे से। देखिए हमारा अच्छे तरीके से लाल हो चुका है। अब डाल देंगे हमारा मिर्ची। अब मिर्ची डालने के बाद हम इसको कुछ टाइम में डाल देंगे हम हमारा भाजी। देखिए ये भी हमारा लाल होते जा रहा है। पहले हम 1 चम्मच डाल लेंगे इस तरीके से। 1 चम्मच डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक रखेंगे ताकि उसको पूरा खुशबू भाजी के अंदर चले जाए। अब हम पूरे भाजी को डाल देंगे। अभी तो हम 10 मिनट तक पका लेंगे, और इसे सूखा नहीं करना है, गीला ही रखना है। हम चेक कर लेते हैं, ये रेडी हो चुका है। जब पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।